सोचिए जरा, नवंबर 2021 को जो रूस ने अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल एसैट मिसाइल की टेस्टिंग की थी, उसने पृथ्वी से 300 मील ऊपर निशाना साधा था। और अब आज की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखेंगे। यूक्रेन को अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन हथियार देते रहेंगे। यूएस समेत कई देशों का यूक्रेन को आर्टिलरी और एयर डिफेंस देने का फैसला। यूएस डिफेंस का दावा, यूक्रेन भेजे गए कई एयरक्राफ्ट। इससे भी बड़ी बात यह है कि पश्चिमी देशों ने यह कहा है कि हमसे जो जो हथियार यूक्रेन ने मांगे हैं, हम पॉइंट बाय पॉइंट वो हथियार उनको मुहैया करा रहे हैं। लेकिन इस अनाउंसमेंट के दो घंटे बाद ज़ेलेंस्की फिर हथियारों की मांग करते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज होती है युद्ध में, उसको कहते हैं डायवर्जन। तो जब हथियार मिल रहे हैं, टैंक्स मिल रहे हैं, बहुत खतरनाक ड्रोन्स मिल रहे हैं, हॉटजियर मिल रही है, यहां तक कि फाइटर प्लेन्स भी मिल रहे हैं, तो ज़ेलेंस्की ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे हथियार चाहिए? क्योंकि वो रूस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। रूस के नए हमले और यूक्रेन के नए हथियार, जरा ध्यान से देखें आप। यहां पर रूस के नए हमले के बीच पश्चिमी देशों के नेताओं ने यूक्रेन को और सैन्य सहायता देने पर चर्चा की। लंबी 90 मिनट की मीटिंग हुई, चेंज करें, 90 मिनट की वर्चुअल बैठक समेत सभी देशों ने कीव को आर्टिलरी, एंटी टैंक, वेपन और एयर डिफेंस देने का फैसला किया। और व्हाइट हाउस में बकायदा यह बैठक चली वर्चुअली। यूएस की तरफ से भेजे गए एडिशनल मिलिट्री एयरक्राफ्ट और पार्ट क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, यूएस डिफेंस ये भी कह रहा है। अच्छा, अब ध्यान से देखें, जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन, जस्टिन ट्रूडो वो भी आ गए। बोरिस जॉनसन जो कह रहे थे कि कहीं यूक्रेन जल्दी युद्ध ना खत्म कर दे, ये वो साहब हैं जो बताते हैं कि पेंटागन ने एक एक लिस्ट, एक एक आइटम बाय आइटम लिया। ये वो साहब हैं जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन F-35 की डील फाइनल कर रहे हैं और यहां पर अब वेपन दे रहे हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो आग में घी झोंकने का काम कर रहे हैं। कैसे? यूक्रेन को और ज्यादा टैंक और हथियार भेजने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या ये नेटो कंट्रीज नहीं है? जो बाइडन प्रशासन यूक्रेन को सैन्य सहायता के लिए एक और बड़ा पैकेज दे सकता है, 800 मिलियन से ज्यादा का। चेंज करें इसको यहां पर। अमेरिका की मदद युद्ध की शुरुआत में दिए गए $2.6 बिलियन से अलग होगी। बोरिस जॉनसन क्या कहते हैं? ब्रिमस्टोन मिसाइल के अलावा एंटीशिप मिसाइलों की सप्लाई पर विचार हो रहा है। जर्मन के चांसलर, जिनको इसलिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उन्होंने शुरुआत में तो हेलमेट भेजे और बाद में यह कहा कि हम पैसा देंगे, इस पैसे से आप हमारे हथियार खरीदें, और हथियार कंपनियों को यह रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। वो कहते हैं यूक्रेन को जर्मनी में बने हथियार करने में मदद करने के लिए फंड मुहैया कराएंगे। लेकिन इनकी डिफेंस कमिटी, वेपन कमिटी के जो हेड हैं, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, सारा फैसला चांसलर करते हैं। चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति, ऑलरेडी टैंक दिए जा चुके हैं, युद्ध में क्षतिग्रस्त यूक्रेनी टैंक और बख्तर बंदवारों की मरम्मत करेंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री, यूक्रेन को और ज्यादा वेपन पहुंचाने के लिए दूसरे सहयोगी देशों के साथ काम करेगा। डच के पीएम, अब वो भी एंटर कर चुके हैं, बख्तर बंदवाहनों समेत यूक्रेन को भारी सैन्य उपकरण भेजने का वादा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।